अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। फूड एलिमेंट के साथ मैं फायजा तंसीर, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन शवारमा। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम चिकन शवारमा बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन ले लिया हमने 600 ग्राम, छोटे छोटे हमने क्यूब कर लिए हैं इसके। बोनलेस चिकन लिया हमने। नमक लेंगे 1 टीस्पून, आप हसबे जायका डाल सकते हैं। इसी लाल मिर्च लेंगे 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, पिंच ऑफ हम फूड कलर लेंगे, जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लेंगे हम लेमन, 1 टेबलस्पून लेंगे लेमन जूस, लसंदा का पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, दही ले लेंगे 1/2 प्याली। चिकन में सबसे पहले मसाले शामिल कर देंगे। लेमन जूस डालेंगे, लसंदा का पेस्ट डाल देंगे और दही शामिल कर देंगे। इसे अगर आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। मैं इसे फौरन ही बनाऊंगी। हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसे कुक कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे पका लेना है और इसका पानी बिल्कुल खुश कर लेना है, उसमें उसी में चिकन भी गल जाएगी बिल्कुल। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे और सैलड तैयार करेंगे और इसको हम पकाने के लिए रख देंगे। एक पैन लेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। सैलड कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए, तमाम सैलड हमने कटर की मदद से काट लिए। अब हम इसे 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे। और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। टू टेबलस्पून हमने कुटी लाल मिर्च ले लिया है। नमक ले लिया हमने 1/2 टीस्पून। 3 अदद हमने लहसुन के जवे ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून भर के हमने ले लिया है सोया सॉस। इसकी हम रेड सॉस तैयार करेंगे। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमने 1/2 कप मायनेज ले ली है, 1 टीस्पून हमने सिरका ले लिया है, लहसुन लिया है बारीक चॉप किया हुआ लहसुन लिया है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून हमने व्हाइट तिल ले लिए हैं, पिंच ऑफ सॉल्ट ले लिया है, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ले लिया है। अब हम रेड और व्हाइट सॉस को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। लहसुन और
सफेद तिल को हमने पीस लिया था काली मिर्च और सिरका डाल के। अब हम इसे मायनीज में मिक्स कर देंगे। तो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा व्हाइट सॉस रेडी हो गया। ये देखिए हमारा व्हाइट सॉस रेडी हो गया। अब हम रेड सॉस तैयार कर लेंगे। इसको भी हम ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। सॉस भी रेडी कर लिए। अब हम चिकन को देखेंगे। 15 मिनट हो चुके। ये देखें चिकन बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखें बहुत अच्छे से ये पक चुका है। अब हम इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। शवरमा ब्रेड हमने बाजार वाली यूज़ की है। इसकी रेसिपी आपको मैं किसी और वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। इसको हम ग्रिल पे दोनों साइडों से सेक लेंगे। ये देखें इस तरह से हम सारे ग्रिल कर लेंगे। सबसे पहले बटर पेपर लेंगे, शवरमा ब्रेड रखेंगे, रेड सॉस लगा लेंगे। ये बहुत ही स्पाइसी है। आपने जिस तरह से खाना है स्पाइसी खाना, नॉर्मल खाना, उस तरह से आपने बना लेना। व्हाइट सॉस लगाएंगे। जो हमने चिकन रेडी किया था वो डालेंगे। चिकन में हमने जो दही डाला था ये उसी में रेडी हुआ है। हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। सैलेड डाल देंगे। दोनों साइडों से इस तरह से रैप कर लेंगे अच्छे से। ये देखें हमने चिकन शवरमा रेडी कर लिए। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।